श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश श्री गुरु अर्जन देव जी के ग्रह विखे माता गंगा जी के कुखों 1595 ईस्वी को अमृतसर साहिब के नेड़े पिंड बडाली विखे होया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश की खुशी विच श्री गुरु अर्जन देव जी ने ब्यास दरिया के किनारे ते श्री हरगोबिंदपुर नाम का नगर वसाया। जो जहांगीर बादशाह के हुक्म से श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिता गया तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उस वेले सोच लिया कि हुण मुगल हकूमत दे नाल दो दो हथ करने ही पैणगे। इसलिए जो आप जी ने गुरुगद्दी की रस्म निभाई जा रही सी तो बाबा बुढ़ा जी ने उचेचे तौर पर आके आप जी ने दो तलवारां धारण कीतियां। एक तलवार मेरी का प्रतीक सी अते दूजी पीरी का। गुरु साहिब ने श्री हरिमंदर साहिब जी के बिल्कुल सामने श्री अकाल तख्त साहिब की रचना की। यह एक संयोग की ही गल सी कि सिख धर्म का आरंभ भारत में मुगलों का राज स्थापित होने के नाल ही होया सी। मुगल बादशाहों वालों दिल्ली विच तख्त ते बैठ के लोगों के फैसले किए जाते सन, पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उन्होंने तख्तों के मुकाबले एक अजिहा तख्त बनाया जिसनों अकाल का तख्त कहा गया, जिहड़ा अज भी सिख धर्म के लिए मान का प्रतीक है। उस तख्त तो आने वाले किसी भी हुक्म को हर एक सिख लई मनना लाजमी होंदा है। जदों श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहीदी हुई उस वेले श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की उम्र सिर्फ 11 साल की ही सी। बाबा बुढ़ा जी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को घोड़सवारी, शिकार खेडना, कुश्तियां लड़ना अते होर कई बहादुरी दियां खेडां दी सिखलाई दित्ती अते शस्त्रां दी सहयोग वरतो भी सिखाई। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गुरुगद्दी उत्ते बैठण सार ही यह हुक्म जारी किया कि उन्हां लई सुंदर घोड़े, शस्त्र अते नौजवान भेट किए जाण तां जो ओह अपनी सेना तैयार कर सकन। वड्डी गिनती विच लोकी अपने सुडोल अते नौजवान मुंडियां नूं गुरु साहिब जी दे अगे अर्पण करन लगे, जिन्हां दी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सेना तैयार कीती। गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं 4 युद्ध लड़ने पए अते हर एक युद्ध विच गुरु साहिब जी ने फतह हासिल कीती। गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी वध रही ताकत नूं वेखदिआं उन्हां दे विरोधियां दे वल्लों खास तौर ते गुरु साहिब जी दे ताया पिरथी चंद दे वल्लों दिल्ली दे बादशाह दे दरबार विच जा के गुरु जी दीआं शिकायतां वी कीतियां गईआं अते गुरु साहिब जी नूं ग्वालियर दे किले विच कैद भी रहना पिया, जिथों गुरु साहिब जी ने 52 होर कैदी राजियां दी रिहाई भी करवाई। जदों बादशाह जहांगीर नूं इह गल पता लगी कि गुरु अर्जन देव जी दी शहीदी उसनूं गुमराह करके करवाई गई है तां उसने मुख दोषी मन्ने जांदे चंदू शाह नूं फड़ के श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे हवाले कर दिता, जिसनूं उचित सज़ा सुनाई गई। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने श्री गुरु नानक देव जी तो बाद सिख धर्म को बहुत वड्डे पद्धर से फैलाउण दे लई उन्हां थावां दी उचेचे तौर पर यात्रा की जिन्हां थावां ते श्री गुरु नानक देव जी गए सन, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के इलाके विच अते उत्तर पूर्व विच पीरी पीत के इलाके विच। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की याद विच अजे भी बहुत वड्डी गिनती विच गुरद्वारे साहिब मौजूद ने, जो इस गल का प्रतीक हन कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी इन्हां थावां ते आए सन। जम्मू अते कश्मीर तो वड्डी गिनती विच ओह लोकी सिख बने जो हिंदुआं तो जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए सन। जदों गुरु जी जम्मू कश्मीर तो वापस आ रहे सन तां गुजरात विखे एक विशेष घटना वापरी। शाह दौला जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे दर्शन किए। जदों उन्हां नूं पता लग्या कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गृहस्थ वी धारण किया है तां उन्हां गुरु जी अगे अपनी प्रश्न रखदिआं कहा कि हिंदू की, पीरी की, औरत की ते फकीरी की, पुत्र की ते वैराग की, दिल की ते त्याग की। इसका उत्तर गुरु साहिब जी ने इस तरह दिता, औरत ईमान है, पुत्र निशान है, दौलत गुजरान है, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने श्री आनंदपुर साहिब के नेड़े एक नवा नगर कीर्तपुर साहिब वसाया अते अनेक गुरद्वारों ते मंदिरों अते मस्जिदों दीआं इमारतां भी बनवाईआं। जहांगीर की मौत तो बाद 1627 ईस्वी नूं शाहजहान गद्दी ते बैठा अते उसने गैर मुसलमाना दे विरुद्ध अपना सख्त रवैया अपनाउणा शुरू कर दिता। 1628 ईस्वी नूं शाहजहां अमृतसर दे नेड़े शिकार खेड रहा सी अते गुमटाला दे स्थान ते उसदा एक बाज भुल के दूर किधरे भटकदा होया अगे चला गया। सिखां दे एक शिकार खेडण वाले टोले ने इस बाज नूं संभाल लिया। जदों बादशाह दे सेवक यह बाज हासिल करन दे लई सिखां दे कोल पहुंचे तां सिखां ने बाज देण तों इनकार कर दिता। इस तरह गल बहसबाजी तो वधदी हुई हत्तों पाई तक पहुंच गई ते सिखां ने बादशाह दे सैनिकां दी मार कुटाई करके उन्हां नूं उत्थों भजा दिता। बाद विच इस बाज दे कारण ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं
पहला युद्ध लड़ना पिया। इस जंग विच शाहजहां दा सेनापति मुखलिस खान मारा गया। इस लड़ाई के दौरान ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी की पुत्री बीबी वीरो की शादी हुई। इस तरह तीन होर जंग गुरु जी नूं लड़ने पए। इस तों बाद गुरु जी कीरतपुर साहिब विखे चले गए अते धर्म प्रचार का कम दुबारा वड्डे पद्धर ते शुरू कर दिता। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गुरु गद्दी अपने वड्डे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी दे पुत्र गुरु हरि राय जी नूं सौंप दित्ती, क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी 1638 ईस्वी विच अकाल चलाना कर चुके सन। श्री गुरु हरि राय साहिब जी नूं गुरुता गद्दी सौंपण तों बाद गुरु हरगोबिंद साहिब 3 मार्च 1644 ईस्वी नूं ज्योति जोत समा गए सन।